الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من توي ورزائت إلهي مقصود من توي ورزائت محبة معرفة خد بده غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا ایک اللہ والا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے دل سے آمین کہتے رہے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 24 ستمبر عیسوی 2021 مالیگاؤں شہر جمعہ مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے ہمارا مالک ہمارا خالق بڑا مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا اور امید سے کہیں زیادہ دینے والا بلکہ ایسا مہربان ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک اس نے ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا ہے ہر تمنا کا خیال کیا ہے اگر ہم یوں کہیں کہ الحمدللہ ہم مالک والے ہیں کیسے ہیں بولو محبت سے ہم
मालिक वाले हैं। कैसे हैं हम? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम है। रोज रोज माएँ मौलाना रूम पैदा नहीं करती, तो कभी 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 हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। मौलाना रूम खुद कहते हैं, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता न गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा आदमी हो गया। मसनवी शरीफ में हिकायत करते हैं, बकरियों का रेवर है, बकरियां चर रही है, एक भेड़िया दूर टोह में बैठा है कि रेवर से अलग हो तो हमला करूं, इकट्ठे रहे तो कोई मसला नहीं। मसला तब होता है कि दो उधर जा रहे हैं, दो उधर जा रहे हैं, दो दुआ करो अल्लाह एक बनाए और नेक बनाए और जो मसाइल है अल्लाह आसान कर दे। कसम खुदाए पाक की, इतने संगीन हालात में मैं आप मुब्तला है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं, कोई इंतहा नहीं। बस अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही रहम करे। वो बकरियां चर रही थी, अचानक एक बकरी अलग हुई। वो जैसे अलग गई, भेड़िए ने हमला बोल दिया तो बकरी ने कमर कस ली कि मरना तो है ही, तो आसानी से नहीं, थोड़ा थकाऊं। तो उसने दौड़ लगाई। क्या लगाई? दौड़ लगाई, दौड़ती रही और भेड़िया पीछे दौड़ रहा। अचानक रास्ते में कीचड़ आ गया तो बकरी ने देखा, ओहो अब तो कीचड़ है, रुकी। फिर ख्याल आया कि मौत आगे है तो मौत तो पीछे भी है, तो उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई कि शायद आगे निकल जाऊं, जान बच जाए। वो जैसे छलांग लगाई कीचड़ में जाके फंसी। भेड़िया पीछे था, वो जोशो खरोश में था, उसने भी पूरी ताकत से छलांग लगाई तो बकरी यहां है, भेड़िया यहां है, वो भी कीचड़ में। जब गिरा देखा, ओहो ये तो कीचड़ में फंस गया, आया था शिकार करने लेकिन अब मैं खुद कुदरत का शिकार हो गया हूं। उसकी आंखों में आंसू आए। किसकी? भेड़िया आंखों में आंसू आए। दुआ करो अल्लाह हमारे भेड़ियों को भी रोना नसीब फरमाए। जो आज हमें रुला रहे हैं, खुदा ने चाहा तो कल रोएंगे इंशाल्लाह, कल रोएंगे। वो रोने लगा तो बकरी ने देखा भेड़िया रोता है। कहा क्यों रोता है? कौन पुष्टि? क्यों रोता है? कहा मैं आया था तुझे शिकार करने, लेकिन रोना इस पर है कि मैं खुद शिकार हो गया हूं, मौत यकीनी है, अब इस कीचड़ से निकलना मुश्किल है। तो बकरी ने कहा इसमें रोना? कहा तू रोती नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे मेरा मरना तय है तेरा भी मरना तय है, गरचे मेरे हाथ से नहीं लेकिन कुदरत से, कुदरत के हाथों तेरी मौत तय है। तो बकरी ने मुस्कुरा के कहा कि गलत कहता है ना, तेरा मरना तय है मेरा नहीं। कहा क्यों? कहा मैं मालिक वाली हूं। क्या जवाब था? मैं नहीं, इसको अंदर बिठाओ कि हम मालिक वाले हैं, हम बोलो मोहब्बत से, हम मालिक वाले, हाँ मैं मालिक वाली हूँ।
मेरा मालिक वहाँ पहुँच चुका होगा, वो जब गिनेगा कि एक नहीं है तो अभी लाठी लेकर आएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा, तो मैं मालिक वाली हूँ, मेरी मौत नहीं है, मेरी मौत नहीं है। अल्लाह का कुरान कितने प्यारे अंदाज में कह रहा, परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते, इन الذين قالوا ربنا الله, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब, बोलो मोहब्बत से कौन है, हमारा रब अल्लाह, सुम अस्तकामु, फिर क्या हो गए, जम गए, क्या कोरोना आवे, हालात आवे, भेड़िया आवे, क्या शेर आवे, कुछ भी आए, अब अल्लाह को छोड़ सकते, सुम अस्तकामु تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا, جب یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں اور دنیا چھوڑنے کا وقت آتا ہے, अल्लाह के फरिश्ते आकर तसल्ली देते हैं, जिस मंजिल पे जाना, ला तखाफू, खौफ करने की ज़रूरत नहीं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू, और पीछे जो छूत रहा है हुज़्न व मलाल की ज़रूरत नहीं, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور اللہ پر یقین رکھنے والے بشارت سن اس جنت کی جس کا تجھے وعدہ کیا گیا, परवरदिगार आलम ईमान वालों को किस कदर तसल्ली दे रहा है, ऐ अल्लाह पर भरोसा करने वालों, अल्लाह पर यकीन करने वालों, इत्मीनान रखो, ये दुनिया कल ख़त्म हो जाएगी, मरने के बाद हमेशा हमेश की जन्नत, वलकुम फीहा मा तश्तही, अल्लाहु अकबर, परवरदिगारे आलम फरमाते, वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, او ایمان والو بشارت سنو, جنت میں تمہارے لیے وہ نعمت ہیں جس کا تمہارا جی چاہے, جس کا تمہارا جی چاہے, من چاہیے, من چاہیے, من چاہیے نعمت ہے, اور یہ اللہ کا وعدہ, اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اس مالک کی طرف سے ہیں جو بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا. ایک اللہ والے کہتے ہیں رات کا وقت ہے تقریباً 2:30-3 بجے, مسجد سے میں نکل رہا ہوں تو مسجد والوں نے کھانے کا نظام رکھا تھا تو ڈبہ تیار کیا اور مجھے بھی دے دیا کہ لے جاؤ حضرت, تو اللہ والے کہتے ہیں میں منع کر رہا ہوں, بھائی مجھے کیا کرنا ہے, کہا حضرت بچے کھائیں گے, کہا چھٹیاں چلتی ہیں, گھر پہ کوئی نہیں, تالا ہے, ارے حضرت لے جاؤ, پر
कटी खाना। तो हजरत कहते मैंने डिब्बा ले लिया कि शायद किसी का मुकद्दर खींच रहा है, शायद किसी का मुकद्दर। अभी मस्जिद से बाहर निकला, सड़क क्रॉस करके मुझे अपनी गाड़ी पे जाना था। अभी बाहर निकला, दो कदम चला, एक नौजवान आया। मैंने उसके बाल देखे, कुछ अजीब से बने, जैसे यहाँ से कुछ कटे हैं, यहाँ से कुछ कटे हैं, पीछे से टकला है, कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या हुलिया है। अलमान वल हफीज, अल्लाह ने बनाया अच्छा खासा इंसान, और इंसान की अकल पे पड़ा है पर्दा, वो नाई की दुकान पे जाके बनता है बंदर या जानवर। नहीं, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जिसकी जिसकी तबीयत में जर्रा बराबर सलामती हो, वो कभी अपने आप को इंसानियत से निकाल कर जानवर पने में दाखिल नहीं कर सकता। अच्छा, हजरत फरमाते हैं मैंने उसका शर्ट देखा तो टी शर्ट, और पतलून देखी तो कुछ यहाँ से फटी है, कुछ यहाँ से फटी है, कुछ यहाँ से फटी है। तो हजरत हैरान है कि एक ज़माना हमने वो देखा कि पैबंद लगा कपड़ा पहनने में शर्म आती थी, और आज क्या दौर है, लोग फटाफटा पहन रहे हैं, शौक से पहन रहे हैं। तो हजरत फरमाते मुझे लग रहा था शायद दिमाग भी फट चुका है। अच्छा, फिर गला देखा तो चैने लटक रही, मालाएं लटक रही, हाथ देखा तो कुछ कड़े हैं, कुछ धागे हैं। ऐसा हुलिया कि अगर ये मस्जिद में जाए और यूं कहे कि भाई खाना, तो शायद मस्जिद वाले धक्का दे दे के जा तेरे लिए थोड़ा पका, जा भाई। उसने मुझे आकर धीरे से पूछा, हजरत मस्जिद में खाना मिलेगा क्या? पूछा मस्जिद में खाना, आसमान की तरफ देखा, ऐ अल्लाह शायद ये डिब्बा इसी के लिए आया है, शायद ये डिब्बा। अपने कहा बेटा डिब्बा है, इसमें खाना है, ले जाओ खा लेना। वो लेके चला गया। हजरत कहते मैं सड़क क्रॉस करके अपनी गाड़ी में बैठने गया तो क्या देखता हूँ, वो मेरी गाड़ी के पीछे एक कोने में डिब्बा खोल के बैठा है और डिब्बे से खाना खा रहा है आधी रात को। हजरत कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा कि ऐ अल्लाह है कैसा, और ऐसे पर भी तू कितना प्यार करता है, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बा वफा होते तो क्या होते। अच्छा, किसी ने जवाब भी दिया, दिल क्या चीज है रूहों में उतरे हुए होते, दिल क्या चीज है रूहों में उतरे हुए होते, मगर तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। सच कहो मुसलमानों, क्या हमने उसको ऐसा चाहा जैसे चाहना चाहिए? अल्लाह तौफीक दे दे। अब चाहने वालों की सुनो। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्ला, रात का वक्त है, कैसे लोग थे, अल्लाह वो तहज्जुद पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अल्लाह हमें तौफीक दे दे। रात के आखिरी हिस्से में कुछ दौलत तकसीम होती है, रात के आखिरी हिस्से में कुछ दौलत तकसीम होती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। हमारे हजरत शेख तरीकत हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी दामत बरकातुम अलैना फरमाते हैं, जिसने तहज्जुद की आदत डाली वो यकीन करे अल्लाह उसे मौत नहीं देगा यहाँ तक के वो अल्लाह का वली बन जाए। विलायत का जीना है तहज्जुद, विलायत का जीना है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो गजाली,
शायरी कहता है, अट्टार हो रूमी हो राजी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। जिसे जो मिला कब मिला बोलो, तहज्जुद तहज्जुद। अच्छा, हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातुम अलैना फरमाते हैं, अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप फरमाते हैं, जिसका चेहरा देखना कौन पसंद करता है, हम सजते हैं अपने आप को संवारते हैं, फुला खुश हो जाएगा, फुला देखेगा खुश हो जाएगा, फुला देखेगा कहेगा माशाल्लाह, और न जाने कितनी बार आईने के सामने आते हैं किसी न किसी बहाने, कैसा लग रहा हूँ, नहीं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तो ये सजावट दुनिया के लिए, और एक सजावट किसके लिए, दिल में हो यार और गोशे तन्हाई भी हो। एक अल्लाह वाला कह रहा है, दिल में हो यार नहीं है, उसको लाना है, उसको लाना है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें, जो मेहनत करते हैं अल्लाह उन्हें ज़रूर देता है, अल्लाह ज़रूर देता है। दिल में हो यार और गोशे तन्हाई भी हो तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो। और एक और अल्लाह वाले कहते हैं, दिल के कोने में है तस्वीरे यार, दिल के कोने में है तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दुआ करो अल्लाह ये नेमत नसीब फरमाए। हजरत पीर साहब फरमाते हैं, जिसका चेहरा देखना अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह उसे तहज्जुद में उठाता है। किस में उठाता है, नहीं उठोगे इंशाअल्लाह, और जब उठो तो यकीन करना कि मेरा चेहरा देखना कौन पसंद करता है, अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह पसंद। वो एक सालिक था, उसने जिक्र शुरू किया, अल्लाह 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 अल्लाह, वो रोजाना रात को अंधेरे में अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब लग रही। तो शैतान आया और क्या कह रहा, कितना अरसा हो गया पुकारे पुकारे, कभी आवाज़ आई, बस तू पुकारे जा रहा, वहाँ से तो आवाज़ ही नहीं आती। तो मायूस हुआ, अपने शेख की खिदमत में पहुँचा। वाकई में शेख बहुत बड़ी रहमत है, शेख बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की तरफ से, जो सालिकीन को हिदायत करते हैं, रास्ते पर लगाते हैं। शेख के पास गया, हजरत आज जिक्र कर रहा था तो शैतान ने वसवसा डाला, कहा अल्लाह के बंदे तू जिक्र छोड़ बैठा, कहा हजरत उधर से तो आवाज़ ही नहीं आती। तो क्या जवाब मिलता, मेरे उस बंदे से कहो कि जब तू पहली मर्तबा अल्लाह कहता है, उस अल्लाह को हम कबूल करते हैं, तभी जाके दूसरी मर्तबा अल्लाह कहने की तौफीक देते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फज़कुरूनी तुम मुझे याद करो, मैं हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्ला उठे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है जुनेद, बहुत बड़ा नाम। एक चोर आया दीवाल कूट के, अब ये वो लोग हैं कि जिनके वहाँ चोरी करने भी कोई आए तो महरूम नहीं जाते, इनकी नस्बतें इतनी कवि है, नस्बतें। मैं आपको क्या बतलाऊँ, बस अल्लाह मुझे माफ़ करे, आपका मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना कहता हूँ कि नस्बत की मुझे हवा भी नहीं लगी है, वो नस्बत जो होती है नस्बत। मैं कल हजरत थानवी रहमतुल्ला को पढ़ रहा था तो हजरत फरमाते हैं कि मुजद्दिद अल्फ़े थानी रहमतुल्ला अलैह मुराकिब थे, नस्बत कितनी कवि है, मुराकबे में थे। तो मुराकबा करते करते आपने लोहे महफूज पे तवज्जो डाली, कहाँ पर, जब आप वहाँ तवज्जो डाल रहे हैं तो आपने देखा कि कोई शेख है जिनका बड़ा चर्चा है, लेकिन लोहे महफूज में उनका नाम अशकिया में लिखा है,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अस्तगफिरुल्लाह। बहुत शोहरत है लेकिन लोहे महफूज में किस में नाम लिखा है? बुरे लोगों में, अशकिया में। तो मुजद्दी साहब बेचैन हो गए, बेचैन। आप फौरन दुआ में लग गए और इतने रोए कि ऐ अल्लाह, इस बंदे से कितनी सारी मखलूक फ़ायदा उठा रही है और तूने उनका नाम अशकिया में लिखा। ऐ अल्लाह, अगर तू इसको नेकों में लिख दे तो तेरे ख़जानों में क्या कमी होने वाली है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुजद्दी साहब रहमतुल्लाह रो रो कर दुआ मांगी तो अल्लाह ने कशफ किया, बस अहमद बहुत हो गया, तेरे रोने की बरकत से हमने उसको अशकिया से निकाल लिया है और शोहदा में दाखिल कर दिया है। किस में दाखिल कर दिया? अच्छा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कमाल है इनके इखलास का कि इतना बड़ा काम किया लेकिन जिंदगी में कभी भी उस शेख के पास गए भी नहीं और उनको कहा भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ किया हूं। और हम तो चाय भी पिलाए तो 10 बार याद करते हैं। इखलास रुखसत है, लोग पानी भी इखलास से नहीं पिलाते। नहीं, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अल्लाह माफ करे। हजरत जुनेद तो जुनेद थे, वो तहज्जुद में है, छोड़ आया। उसने बहुत तलाश किया तो घर में तो कुछ था ही नहीं के ले जावे। वो मेरा आपका घर थोड़ा है कि फजूल में भी कई चीजें रहती है। बंदा मोबाइल भी ले जाए तो 25,000 का निकलता है। अच्छा, एक अफसोस की बात कहूं, लोग मोबाइल 20,000 का रखते हैं लेकिन नमाज पढ़ने के लिए 25 रुपये की टोपी नहीं खरीदते, 10 रुपये की मिसवाक नहीं खरीदते। नहीं, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और फिर भी हम अल्लाह का शुक्र है, आशिक रसूल भी है और आशिक खुदा भी है। उसको बड़ी मुश्किल से कुर्ता मिला हजरत का, वो बगल में दबाया, लेकर चला गया। जब सुबह हुई, दिन हुआ, तो एक दुकान पे गया, कहा भाई ये कुर्ता बेचना है। कोई बात नहीं, हम लेते हैं, लेकिन आप ये शाहिद पेश करो कि कुर्ता तुम्हारा खुद का है। अब मैं क्या बोलूं, है नहीं, आज मार्केट है ऐसा? आज तो ये है कि लाख का सामान है तो ताजिर देखता 50 में दे रहा, भाई ले लेने, अपने का कहीं से भी आया हो, 50 तो कमाना ही है। झूठ, दगा, अमानत में खयानत, सदाकत नहीं रही। नहीं, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आज हालात ऐसे हैं कि कहीं से भी ला, लेकिन क्या ला? इधर देखो, इधर क्या ला? नहीं, आपके यहाँ मालेगांव में कोई और इस्तेला है, हमारे गुजरात में गुजराती को आप इतना इशारा कर दो वो समझ जाता है। आप भी समझ गए ना माशाल्लाह। हल मिम मजीद, अलमान वल हफीज, बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया और जिसको सब कुछ समझना था उसे कुछ भी नहीं समझा है, कुछ भी नहीं समझा है। दुकान वाले ने कहा शाहिद ला, तो शाहिद तो था नहीं, वो तो चोरी का था। तो दूसरी दुकान, भाई शाहिद ला। तीसरी दुकान, भाई शाहिद ला। चौथी दुकान, वो चलते चलते उस दुकान पे चला गया जो मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने थी। वो दुकान पे पहुंचा, वो कह रहा शाहिद ला, ये कहता ले ले, वो कहता शाहिद ला। और उधर से हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से बाहर निकल रहे, आपने देखा कुर्ता तो मेरा है। ये कहता ले ले, वो कहता शाहिद ला, तो आपने अपना चेहरा छुपा लिया, साफा बांधे थे, चेहरा छुपा लिया और दुकान पे चले गए और दुकान वाले से कहते, ओ मेरे भाई, मैं गवाही देता हूं ये कुर्ता उसी का है, ले ले। आज के जमाने में कोई जी ले ले। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे,
मैं उसका बनूंगा बंदा जिसको खुदा खुदा के बंदों से प्यार है, जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। अपने का ले ले। तो वो तो उसको तो मालूम था ना कहाँ से लाया। तो उसने यूं देखा, हजरत आप तो आपने धीरे से चेहरा खोला, मैं जुनेद हूँ, फिक्र मत कर। मैंने मस्जिद से निकलते नियत कर लिए कि कुर्ता तुझे हदिया, कुर्ता तुझे हदिया। अब मेरी गवाही बराबर है, तेरा काम। अब आप मुझे बतलाओ ये कदमों में गिरेगा कि नहीं और तोबा करेगा कि नहीं। ये वो लोग थे, अल्लाहु अकबर। बस आखिरी सुनाकर बात ख़त्म करूँ, आखिरी वक्त है, आँखें बंद है, यार से मुलाकात है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, तो मौत का मज़ा चख रहे हैं। तो सिरहाने कुछ लोग थे, उन्हें हदीस शरीफ याद आई कि जाने वाले को कलमे की तलकीन करो। अब उनको ये पता ही नहीं रहा कि ये इनायतुल्ला इखरवी है कि कोई और है। वो जुनेद को इनायतुल्ला समझ गए। तो वो बेचारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तीसरी मरतबा पढ़ा तो हजरत ने आँख खोल ली और उसकी तरफ देखा और क्या फरमाते हैं, किसको याद दिलाता है? क्या कह रहे हैं, किसको याद दिलाता, जिसको कभी भूला ही नहीं उसे याद दिलाता है? नहीं, हम भूल गए कि नहीं भूल गए, नहीं याद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। पांच वक्त की नमाज का अहतमाम करो, कुछ कुरान की तिलावत करो, कुछ जिक्र असकार करो, कुछ इस्तिगफार करो। अल्लाह ताला मुझे आपको इन कहीं बात सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशकम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशकम से होगा। हम क्या है जो हमसे कोई काम होगा, जो कुछ हुआ हुआ तेरे करम से, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा, यानी अल्लाह के करम से होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।